कुछ और है। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? सबसे पहले सबको एक बार स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी तरफ से और साथ ही साथ एवरोस स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसा जानने जा रहे हैं जिसकी जिसकी एक चाहत हमें बचपन से ही होती है, कहीं हमें एक ना समझी होती, हम समझ नहीं पा रहे होते लख नाम की चीज है क्या। अक्सर हम ये सोचते हैं कि उसका भाग्य ऐसा है और मेरा भाग्य ऐसा है, हम कंपैरिजन करते रहते हैं और करीब टिल मतलब मृत्यु तक हमको यही समझ नहीं आता कि असल में हमारी जिंदगी में हुआ क्या। तो किसी ने सही कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं डॉक्टर अनिल योगी आज आपको बताने जा रहा हूं क्या योग के द्वारा भी भाग्य का निर्माण किया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि योग के अभ्यास के साथ साथ मेरा लक भी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए सीरीज को आज बताने जा रहा हूं इसका विज्ञान। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये थॉट मेरे पास मन में आया कहां से भाग्य को लेकर, तो मैं यहां बताऊंगा कि मेरे को एक समय ऐसा आया कि जब मैं काफी फ्री रहता था, तभी एक थॉट आया कि क्या कोई ऐसा साइंस है कि जो हमें सक्सेस का एक तरीका बतलाए, या हम ये सोचें कि वो जो उनको सक्सेस मिली है वो केवल उनके भाग्य का ही परिणाम है, या कुछ लोग जो जन्म लेते हैं या उनके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं क्या वो भाग्य का ही परिणाम है, या इसके पीछे कुछ और भी साइंस हो सकता है। क्योंकि अगर हम साइंस को हम समझें, आज न्यूरो साइंटिस्ट या आप जो साइको पॉजिटिव साइकोलॉजी, इन्होंने प्रूव कर दिया है कि हर चीज के पीछे, हर इवेंट के पीछे एक विज्ञान छिपा हुआ है। तो यहां मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आप सब जानते हैं वॉरेन बफेट वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है और रिचेस्ट पर्सन है। इनसे जब सक्सेस के बारे में पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो सीक्रेट के लिए इन्होंने केवल दो चीजों को जिम्मेदार बताया। नंबर वन, इन्होंने कहा परसेवेरेंस, यानी कि आपका अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको सतत प्रयास करना होगा, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी, आपको हार नहीं माननी होगी। ठीक है, ये सब हम सब जानते ही हैं कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें उस लक्ष्य की ओर बने रहना चाहिए, बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और ऐसी चीज जो है बतलाई, ऐसी एक और ऐसी चीज को सजेस्ट करी है जिससे आज ये प्रेजेंटेशन हम देने जा रहे हैं, जिसके कारण वो दूसरी जो चीज थी उन्होंने कहा था लक, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य भी जो है वो हमारे सफलता में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है। अब क्योंकि मैं भी काफी योग उद्योगपतियों को योग सिखाया है, कई रिचेस्ट लोगों को योग हमने सिखाया है, और उनसे जब उनसे मैंने व्यक्तिगत भी उनसे पूछा कि क्या कारण है सक्सेस का, क्या मतलब सीक्रेट है इसके पीछे, तो उन्होंने भी यही बताया कि अनिल जी देखिए कहीं ना कहीं लक भी मायने रखता है। तो हमने लक को इसमें सर्च करने की कोशिश करी कि लक है क्या। तो वॉरेन बफेट की हमने इसको देखा कि ये क्या कह रहे हैं लक के बारे में, तो उन्होंने एक चीज कही कि लक रिक्वायर लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट गुड लक रिक्वायर टाइम एफर्ट एंड डिवोशन इन ऑर्डर टू बिकम स्केलेबल, यानी कि अपने लक को अगर आपको इंप्रूव करना है तो जैसे किसी और जगह पर हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसे हमको लक में भी हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अब यहां पर ये बात आती है कि तो इसका क्या साइंस है, इसके साइंस को जब हमने सर्च करना शुरू किया तो हमने गूगल पे जैसे ही कीवर्ड हमने इसमें टाइप किया द साइंस ऑफ लक, तो हमको वहां मिले प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन जो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में यूके में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड है। अब इन्होंने क्या किया कि जो हम चीज आज हम सर्च कर रहे हैं इन्होंने इस पर पहले रिसर्च कर चुके हैं, तो मैं इस रिसर्च के विषय में पहले आपको बताऊंगा, इसके बाद में आपको बताऊंगा लक क्या है, और उसके बाद हम बताएंगे लक के कितने प्रकार होते हैं, और फिर लास्ट में हम ये बताएंगे कि क्या योग के द्वारा लक को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आइए इनकी रिसर्च को सुनिए, इनकी रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है। तो
इनकी जो रिसर्च है वो आपको लक फैक्टर नाम की एक बुक है जो बेस्ट सेलिंग बुक है उसमें आपको इसमें मिल जाएगी। तो डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने एक्चुअली क्या किया कि इन्होंने देखा अपने जीवन के अंदर कि कुछ लोग सही टाइम पे सही डिसीजन कैसे ले लेते हैं, कुछ लोग सही टाइम पे सही जगह कैसे होते हैं। तो उनके विचार, उनके मन में ये विचार आया कि क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है या ये इत्तेफाक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पर एक रिसर्च करना शुरू किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। और इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया कि जो लोग अपने आप को लकी मानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जो लोग अपने आप को लकी मानते हैं या जो लोग अपने आप को अनलकी मानते हैं वो कृपया हमसे आकर मिले। उस एड के बाद डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन के पास लगभग 400 लोगों ने उनको अप्रोच किया, उनसे कॉन्टेक्ट किया, जिसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी और हाउसवाइफ, लेबर, मतलब कई तरह का उनके पास कैटेगरीज वहां पर मिली उनसे जो प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन से थे। साथ ही साथ क्या हुआ, इनका जो एज ग्रुप था लगभग 18 से 80 तक की उम्र का इनके पास एज ग्रुप था। अब इन्होंने इनके इंटरव्यूज लिए और इनके बारे में जाना कि ये अपने आप को, मतलब जो लोग लकी हैं वो क्या सोचते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, वो कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, और जो अनलकी लोग हैं वो अपने आप को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रेस्पॉन्स देते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं। और पूरी स्टडी को करने के बाद उन्होंने 4 प्रिंसिपल को डिजाइन किया। ध्यान देना, 4 प्रिंसिपल। अब आप अपने पेन और पेज आप लेके बैठ जाइए, पेन पेपर, और उसको नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 4 प्रिंसिपल आपके जीवन के भाग्य को बदल सकते हैं, आपके फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, नंबर प्रिंसिपल, लकी पीपल आर स्किल्ड एट क्रिएटिंग एंड नोटिसिंग द चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि लकी पीपल के अंदर वो एबिलिटी थी कि वो चांसेस, जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते थे, उसको क्रिएट कर सकते थे और उसको नोटिस कर पाते थे। अब ये आप तो देखिए कैसे कैसे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, वही एक लकी पीपल का ग्रुप था और एक अनलकी पीपल का ग्रुप था, और उनको एक न्यूज़पेपर दिया और न्यूज़पेपर में उनको उन्होंने एक टास्क दी कि काउंट द नंबर ऑफ पिक्चर इन न्यूज़पेपर, कि इस न्यूज़पेपर में जितने भी पिक्चर्स हैं उसको आप काउंट कीजिए। तो लोगों ने वहां पे काउंट करना शुरू किया और आश्चर्यजनक रिपोर्ट आई कि अनलकी पीपल जो थे, जो अपने आप को अनलकी मानते थे, उन्होंने उन पिक्चर्स को टोटल करने में, लगभग जो है काउंट करने में 2 मिनट का समय लिया और लकी पीपल ने केवल 2 सेकंड का। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि अनलकी पीपल ने 2 मिनट का टाइम लिया और लकी पीपल ने 2 सेकंड का टाइम लिया। तो यहां ये बताना चाहेंगे कि उसके सेकंड पेज पे लिखा हुआ था, स्टॉप काउंटिंग, देयर आर ओनली 43 फोटोग्राफ्स इन दिस न्यूज़पेपर। बस यही सीक्रेट है सक्सेस का, कि जो लकी पीपल थे वो इतने कॉन्शियस थे या अपने अवेयरनेस के प्रति इतने सचेत थे कि उनका ध्यान तुरंत इस लाइन पे गया और उन्होंने आगे पढ़ना बंद कर दिया। जबकि अनलकी पीपल जो थे वो स्ट्रेस के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, मतलब चिंताओं के कारण इतने दबाव में थे कि उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और वो पूरे पिक्चर्स को गिनने में उन्होंने अपना समय व्यतीत कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो लकी पीपल होते हैं ये बेसिकली बड़े काम एंड कूल होते हैं। ध्यान दीजिए कि काम एंड कूल होते हैं और योगा हमें काम एंड कूल बनाता है। इसी के साथ साथ मैं कह रहा हूं, अगर किसी को भी कोई चीज यहाँ पूछनी है तो साथ साथ तो क्वेश्चन भी पुट अप, हमारे को क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं अपने, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब इसके बाद आगे बात बढ़ती है कि इतना ही नहीं बात बनती, लकी पीपल क्या करते हैं, चेंजेस बहुत पसंद करते हैं। मतलब अपने जीवन में एक जैसे लाइन पे कभी नहीं चलते कि सीधा एक ही जैसे स्ट्रेट, मतलब एक ही जैसे बात पे चलेंगे, या हमेशा वैरायटीज अपने जीवन के अंदर लाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो रेदर देन कि किसी एक पुराने ही ग्रुप के साथ पूरा टाइम बिताने के बजाय नए नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। ये किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। ये ट्रैवलिंग करते हैं या जब किसी जर्नी में होते हैं तो नए लोगों के संपर्क में आते हैं, जिससे इनके पास जो है जो अपॉर्चुनिटी के चांसेस जो वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आज के बाद, अगर आज के बाद आप चाहते हैं अपने भाग्य को बेहतर बनाना, तो अपने डर से बाहर निकलिए, अपने आप को ये समझ लीजिए कि इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव कीजिए, नए लोगों से मिलिए और नए नए तरीके खोजिए, नए नए रास्ते खोजिए, कहीं ना कहीं जरूर आपको आपकी जो सफलता की चाबी है जरूर मिलेगी। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल, लकी पीपल लिसन टू डियर इंट्यूशन। लकी पीपल क्या होता है कि ये बड़े, मैंने बताया, काम एंड कूल होते हैं, पीस इनके अंदर होता है, और ये क्या करते हैं कि जब कोई
अपने अंदर की आवाज को जरूर सुनते हैं। जब किसी कार्य करते हैं तो अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, रेदर देन अनलकी पीपल क्या करते हैं वो उनका जो कॉन्शियसनेस है उनका जो एनर्जी है वो डाइवर्ट रहती है, स्कैटर्ड रहती है, या ऐसा कहते हैं ड्रेन्ड रहती है, वो बिखरी हुई रहती है। उसके कारण जो है वो एक जगह पर फोकस ही नहीं कर पाते और अपने अंदर की आवाज को तो क्या सुनेंगे, वो हमेशा जो है आउटर साइड को ही वो अपने जो उनके जीवन में चल रहे हैं जो दुर्भाग्य चल रहा है उसके लिए वो आउटर साइड को जो ब्लेम करते रहते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल नंबर तीन। प्रिंसिपल नंबर तीन कहता है कि लकी पीपल क्रिएट सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोफेसेस बाय पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। होता क्या है इस प्रिंसिपल में कि जो लकी पीपल होते हैं वो इमेजिन करते हैं कि दे आर लकी। यस, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कुछ नहीं है केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कहते हैं लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो ये उस कुदरत को, उस कायनात को, उस कॉस्मोस को मजबूर करते हैं कि उनके साथ अच्छा हो, केवल कैसे ये महसूस करके कि यस ऑल इज वेल, यस आई एम द बेस्ट, यस मेरी लाइफ में जो भी है सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। तो इस तरह के जो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से क्या होता है कि उनके जीवन के अंदर जो है वो साथ ही साथ अच्छी चीजें अपने आप ही घटने लग जाती हैं। और इसके अलावा अगर वो दुख वाला टाइम निकाल भी रहे होते हैं तभी भी वो यही महसूस करते हैं कि यस मैं लकी हूं, मैं इससे भी मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा ही होगा। इसके रेदर देन जो अनलकी पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा उन चीजों को फोकस करते हैं जो जीवन में नहीं चाहते। ध्यान दीजिएगा, उन चीजों पे फोकस करते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं चाहते। हमेशा एक डर में जीते हैं, हमेशा एक जेलेसी में जीते हैं, हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी लाइफ में और ज्यादा इस तरह के इवेंट्स होने लग जाते हैं जो उनके सक्सेस को या उनके जो हैप्पीनेस को है कहीं ना कहीं वो रोक देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन में आपके बिहेवियर को सीधा रिस्पॉन्स करती है और बिहेवियर जो है इससे आपके पब्लिक रिलेशन डेवलप होते हैं, इससे आपकी आउटकम आती है। सो प्रिंसिपल नंबर फोर, सॉरी प्रिंसिपल नंबर फोर से पहले मैं यहाँ एक बताना चाहूंगा, अलेक्जेंडर एंग्लो, ये क्या है, ये बिजनेसमैन है और इनका आपको टेड टॉक पे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये अपने आप को विजुलाइज करते हैं आई एम लकी, और इन्होंने पूरा इसके विषय में बताया है कि कैसे उनके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। और इसमें एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक शादी में गए थे और वहां पर जो फंक्शन में इन्होंने एक कोई गाना गाया और गाना गाने के बाद जो है इनको एक क्लाइंट इनको जो ढूंढ, मतलब ये जिस वुड बी जो कस्टमर है, जिस कस्टमर को चाहते थे वही कस्टमर इनके पास में आ गया, पूरी डिटेल इनके साथ में इनकी लेके गया और बाद में जो उस कस्टमर ने इनको बहुत बिजनेस दिया। तो कहने का भी प्राय है कि आपको अपने जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट करनी पड़ती है। इसीलिए वॉरेन बफेट एक बात कहते हैं, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप ही अपने भाग्य का निर्माता है, कोई और आप ये मत समझे कि किसी और से आपके भाग्य का जो है निर्माण होता है। तो आइए अब प्रिंसिपल नंबर फोर, प्रिंसिपल नंबर फोर है लकी पीपल हैव रेजिलियंस एटीट्यूड दैट ट्रांसफॉर्म बैड लक इनटू गुड लक। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको जरूर आप जरा ध्यान से समझिएगा कि जो लकी पीपल होते हैं इनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, ये अपने बैड लक को भी गुड लक में चेंज कर लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे ऐसे होता है कि जब इनकी लाइफ में कोई बैड लक आता है तो ये क्या कहते हैं, इमेजिंग वर्स्ट सिचुएशन। ये क्या करते हैं कि जैसे कोई, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि किसी बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद वहां डकैती हुई, डकैती उनके बाद कोई गोली चली और गोली जो है उनके हाथ पे लग गई, तो ये इमेजिन ये करते हैं कि चलो यार गोली हाथ पे लगी है, सर पे नहीं लगी। इस तरह के इमेजिनेशन करके ये मतलब कि मोर वर्स सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और देखते हैं कि ये मोर वर्स हो सकता था लेकिन हमारे साथ में नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो एक ही है कि मैं लकी हूं। और ये क्या करते हैं फिर अपने आप को गुड लक क्रिएट कर लेते हैं उस सिचुएशन के अंदर भी, जिस सिचुएशन के अंदर लोग रो रहे होते हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बैड लक को भी जो है गुड लक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप देखते हैं जो थर्ड नंबर पे जो आता है वो थर्ड नंबर वाला, ये अक्सर जनरली सोच लेता है कि अगर मैंने थोड़ी और मेहनत, अगर मैंने मैं थोड़ा सा और मैं कम रह गया होता तो आज ये बिल्कुल मैं मेरे को कोई प्राइज ही ना मिलता, तो थर्ड भी मिला है तो कम से कम ये कि अच्छा मिला है। जबकि सेकंड वाला जो है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो सोचता है कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत की तो फर्स्ट पे आता। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये अपने फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है। तो कई बार जीवन के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि जिन्हें हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कोई दुख भरी घटना घट रही है तो दुख भरी घटना घटने में हमें ये भी सोच सकते हैं कि क्या पता इससे और बुरा हो सकता था,
पूरे COVID-19 के दौरान में एक ही बात बताई है मैंने कि इससे भी वर्स सिचुएशन हो सकती थी। हम जो कोरोना को लेकर इतने परेशान रहे हैं, इससे भी वर्स सिचुएशन हो सकती थी। हो सकता है इसकी जगह वर्ल्ड वार हो जाता, वर्ल्ड वार होने के बाद बमबारी हो जाती, हो सकता है हमारे वर्क प्लेस, हमारा घर उस बमबारी के शिकार हो जाते, क्या हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन चलो कम से कम अब एक वायरस, उस वायरस से ही तो लड़ना है, और लड़ना भी क्या है, प्रिकॉशंस लेनी है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो लकी पीपल का एक सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि वो जो बैड सिचुएशन के अंदर भी गुड सिचुएशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप डेफिनेशन को समझिए। अगर आप लक को समझने के लिए अगर आप डिक्शनरी ओपन करेंगे तो लक की एक डेफिनेशन आएगी, लक इज इक्वल टू फॉर्च्यून, या ऐसा कोइंसिडेंस जहां पर आपने बिना आपको बिना कुछ करे आपको मिल जाता है। लेकिन वो ऐसे कॉन्सिडेंस शायद ही जीवन में कभी आते हैं, या किसी के एक दो के आगे तो आ गए हैं। लेकिन इसीलिए लक की जो डेफिनेशन, नई डेफिनेशन पे आपको विश्वास करना चाहिए। लक इज द रिजल्ट ऑफ बिलीफ एंड द परसुएशन दैट ब्रिंग अस टू अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज एज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस एंड हेल्थ हैप्पीनेस। तो लक एक प्रकार का जो है ये हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमारे को अच्छी अच्छी सिचुएशन हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है। आज से आप ये ध्यान दीजिएगा कि लक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी उंगलियों में, हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है या आपके जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। लक आपकी सोच के अंदर है, लक आपके विचारों में है। अगर आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, अगर आपकी सोच अच्छी हो जाती है, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो आप देखेंगे कि आपका लक कहां से कहां पहुंचेगा। और हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। इसके बावजूद भी कभी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तो टाइप ऑफ लक। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक तो कॉन्सिडेंस होता है, दूसरा टाइप ऑफ लक में क्या है, ये लॉन्ग टर्म लक होता है, इसे रिकरेंट लक बोलते हैं। ये लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि इसको क्रिएट किया जाता है द साइंस ऑफ लक की थ्योरी से। तो आप इस वाले को ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म लक को क्रिएट किया जाता है। पीपल हु ट्रांसफॉर्म देयर बैड लक इनटू गुड लक। अब आपको मैं उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन लोगों ने अपने बैड लक को जो है गुड लक में ट्रांसफॉर्म किया है। कौन है देखते हैं। डेविड ली पियर्सन, आप देख सकते हैं पैरालंपिक हैं, और इनके जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ, मतलब एकदम एक बीमारी होती है जिसमें जॉइंट जो फिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये 10 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट बने 2000 से 2012 के बीच में। तो क्या ये लकी है? इन्होंने लक क्रिएट किया है। बैड लक तो इनको मिला था लेकिन उन्होंने अपने बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर डाला। पॉलिश टेबल टेनिस प्लेयर नेटालिया वाज बोर्न विदाउट ए राइट हैंड एंड फोरआर्म, और नाउ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पैरालंपियन, शी वाज जस्ट 11 ईयर ओल्ड व्हेन शी कंपीटेड इन फर्स्ट पैरालंपिक्स। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने हार्ड वर्क से, पॉजिटिविटी से, अपने अच्छे एटीट्यूड से उसको अपने बिलीफ सिस्टम के साथ में इसको चेंज करके जो है बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर दिया। इनको सब आप जानते ही होंगे। अरुणिमा सिन्हा, इंडियन माउंटेनियर क्लाइंबर, इनके साथ क्या होता हम शायद जानते ही होंगे। वैसे बेसिकली ये फुटबॉलर थी, लेकिन ये फुटबॉलर में आपका ये हुआ इनके साथ था कि फुटबॉल के एक मैच के लिए जा रही थी, और जब ट्रेन से यात्रा कर रही थी तो कुछ लोगों ने इनके साथ में पर्स वगैरह छीनने की कोशिश करी। तो इन्होंने उनको, क्योंकि फुटबॉलर हैं तो उनका फुटबॉलर के साथ स्पोर्ट्स जो जो गर्ल होती हैं उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है, वो फाइटर होती हैं। तो इन्होंने उनसे फाइट करने की कोशिश करी, वो संख्या में ज्यादा थे, उन लोगों ने मिलकर इसको ट्रेन से धक्का दे दिया। ट्रेन से धक्का दे दिया तो ये जो है पटरी पर गिर गई, और इनके इनके ऊपर से लगभग 13 बार जो है 13 ट्रेन जो इनके ऊपर से निकली। सुबह तक जब पता चला, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि भाई कोई लड़की ट्रैक पर पड़ी हुई है और इनके ऊपर चीटियां चलती थी, इनके मकोड़े चल रहे थे, और इनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, जब इनको होश आया तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि 13 ट्रेन ऊपर से निकल जाने के बावजूद भी ये बच गए। लेकिन इनके साथ में एक मिसहैपनिंग हो गई थी, वो हो गई थी इनका एक पैर कट गया था। जो पैर इनका कट गया था तो इनके मन में यही हुआ कि अब मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगी। व्हीलचेयर पे चलना इनको बर्दाश्त नहीं था, इनको गवार नहीं था कि मैं व्हीलचेयर पे रहूं। तो इन्होंने उसी वक्त बेड पे, शरीर से खून निकल रहा था, उसी वक्त डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है
जो आज तक किसी ने नहीं किया। यानी इन्होंने अपने बैड लक को चेंज किया अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू, और उन्होंने उसी समय तय किया कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है। और जब इन्होंने उस समय तय किया तो आज इनके बारे में आप सब जानते हैं कि माउंटेनियर हैं, अलग अलग देश के अलग अलग जो 10 से 12 जो हाइएस्ट जो पीक्स हैं उन पर चढ़ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे एक एटीट्यूड से, कैसे एक बिलीफ सिस्टम से, कैसे पॉजिटिविटी से जो है अपने बैड लक को कन्वर्ट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घटती हैं, जो बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी घटनाओं पे भी हम जो है परेशान रहते हैं उन लोगों को जो है लेके, सॉरी इसमें तो छोटी छोटी घटनाओं को लेके हम लोग परेशान रहते हैं, उन्हीं को लेके हम परेशान रहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसी में परेशान रहते हैं। तो आगे देखिए, इनको भी सब जानते होंगे, लक्ष्मी एसिड अटैक विक्टिम। अगर आज इन पे आज ये समझ लीजिए कि जो एसिड अटैक अटैक जो विक्टिम है उनमें ये मॉडल है, ये मॉडलिंग करती हैं, इनको कंपनीज ने चूज किया है मॉडलिंग के लिए, चेहरे के लिए इनको चूज किया है। तो इन्होंने भी कैसे अपने बैड लक को जो है गुड लक में कन्वर्ट किया। ये इतना आसान नहीं था, कोई आदमी किसी को जो है क्यों चूज करेगा, लेकिन उन्होंने इसके अंदर के इनके जील को, इनके विल पावर को, इनके कॉन्फिडेंस को, इनके करेज को, इनके जो परसिस्टेंस है, इनकी पॉजिटिविटी, उस खूबसूरती को देखा जो अंदर होती है। तो ध्यान दीजिए, खूबसूरती बाहर नहीं है, खूबसूरती अंदर है, अंदर की जो खूबसूरती है फिर ये आपको बाहर से खूबसूरत बनाती है। तो आपने देखा किस प्रकार से लोगों ने अपने बैड लक को जो है वो गुड लक में कन्वर्ट किया। अब मैं ऐसे व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, ऐसे पर्सन की बात बता रहा हूँ जिसके पास ना बोलने के लिए कुछ था, ना देखने के लिए कुछ था, ना सुनने के लिए कुछ था। मैं बात कर रहा हूँ हेलन केलर की। हेलन केलर जो डीप एंड डम्प थी, क्या जिंदगी हो सकती है उनकी, आप सोच सकते हैं। लेकिन कैसे जब इनको रियलाइजेशन हुआ अपने टीचर के साथ मिलके, इन्होंने आगे पूरा का पूरा जो है लैंग्वेज को पढ़ना सीखा, साथ ही साथ जो है इन्होंने 14 से अधिक किताबें लिख दी। इसके अलावा एक सोसाइटी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया जिसमें जो डीप एंड डम लोगों के लिए काम किया जाता है। तो आप ये समझिए कि मतलब क्या नहीं हो सकता लाइफ में, लाइफ में सब कुछ हो सकता है, बस चाहते आपके अंदर इच्छा शक्ति हो। मुझे यहाँ पर अभी बात याद आ रही है कि अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गमे। तो हम यूं तो बहुत सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि भाई ठीक है हम प्रार्थना कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन आप उसको जरा जी के तो देखिए, असत्य से सत्य की हो जो इल्यूजन है, जो ब्रह्म है, तमस अंधेरे से प्रकाश की हो जो डिप्रेशन है उससे हैप्पीनेस की हो, और मृत्यु जो फ्रस्ट्रेशन है उस फ्रस्ट्रेशन, मृत्यु ये डेथ की बात नहीं है, मृत्यु जो आप रोज मरते हैं अपने जो नेगेटिविटी थॉट है उनसे आप रोज आपकी डेथ होती है, उससे बाहर निकलता है, अमृत की ओर हमको जाना है, ये हमको विचार के साथ में चलना चाहिए। अब बात आती है योगा की। तो डज योगा ट्रांसफॉर्म बैड लक इनटू गुड लक? तो मेरा ये कहना है यस, बिल्कुल वी कैन चेंज अवर लक थ्रू योगा। कैसे? सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां हमने 4 प्रिंसिपल बताए थे। सबसे पहला प्रिंसिपल था मैक्सिमाइज योर चांस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपने जो अपॉर्चुनिटीज है उसके चांसेस को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? वो तभी बढ़ेगा जब आपका परसेप्शन क्लियर होगा, जब आपको पता होगा व्हाट यू वांट, जब आपका माइंड काम एंड कूल होगा, आप थॉट्स से क्लटर्ड नहीं होंगे, जब आपके अंदर फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा। और योग का एक जो परिभाषा है वो योग जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, या ये कह सकते हैं कि योग मेरे को मेरे स्व से मिलाता है। देखिए यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, मैं अगर पूछता हूँ कि परमात्मा कहाँ है तो लोग कहते हैं परमात्मा अपने अंदर है, मैं पूछता हूँ आत्मा कहाँ है कहते हैं आत्मा अपने अंदर है। अरे भाई, जब आत्मा मेरे अंदर है, परमात्मा मेरे अंदर है, तो हम डरे हुए क्यों हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में क्यों हैं, हम जेलेसी में क्यों हैं? जब हम सभी के अंदर एक ही शक्ति का एक अंश है तो हम एक दूसरे से जेलेसी क्यों फील करते हैं, हम एक दूसरे क्यों कॉम्पिटिशन करते हैं? तो कारण उसके पीछे यही है कि हम जो जानते हैं उसे जीते नहीं है, जो हम पढ़ते हैं उसे हम जीते नहीं है। समझ रहे हैं ना? इतने साल बाद अब शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, तो सब यही कारण है, हमारा बिलीफ सिस्टम को पहले से ही जकड़ लिया जाता है, उसको बंधक बना लिया जाता है, जैसे एक हाथी के छोटे बच्चे को चेन से बांध कर रखा जाता है, और वही हाथी जब बड़ा हो जाता है तो उसी चेन में बंधा रहता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ये हो जाता है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता।
उसी प्रकार से जो हमारा बचपन से लेके जो बिलीफ सिस्टम तैयार होता है, वो बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है इतना स्ट्रांग कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। और इन सब के अंदर जो योग है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, योग अभी हम सब जानते हैं आसन पे ज्यादा फोकस करता है। हम सब जानते हैं कि योग को लेकर स्वास्थ्य की बात जरूर करते हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ सबके लिए, मैं सबके सामने चैलेंज करता हूँ कि योगा इज नॉट फॉर हेल्थ। आप मेरी बात को समझिए कि योगा इज नॉट फॉर हेल्थ। योगा हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा। आप योग करेंगे हेल्थ आपकी बनेगी। तो योग किसके लिए है? योग है स्वयं से जुड़ने का एक रास्ता, स्वयं को पहचानने का एक रास्ता, स्वयं से अपने जीवन के पर्पस को जानने का एक तरीका है। तो योग एक विज्ञान है, योग जीवन शैली है। यहाँ केवल हेल्थ की बात नहीं आती है, यहाँ वेल्थ की बात भी आती है, यहाँ केवल फेलियर की बात नहीं आती है, यहाँ केवल फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं आती, यहाँ पर जो है आपके मेंटल एटीट्यूड की बात भी आती है, यहाँ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड की बात भी आती है। तो जो लक की बात है, तो योग में अगर आप योगा करते हैं तो योग में करने के बाद जो है आपके ब्रेन की मैपिंग चेंज होती है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, अगर एक अच्छा गुरु आपके पास में है तो आपका जब एक बार बिलीफ सिस्टम चेंज होता है तो आपके अंदर करेज डेवलप होता है। आप सूर्य नमस्कार करेंगे, देखिए योगा के अंदर बहुत सारी पोस्चर है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो ये जो चेस्ट एक्सपेंडिंग की पोज है, जब हम चेस्ट एक्सपेंडिंग की बात करते हैं तो हमारे अंदर करेज आता है। आप सिंहासन करते हैं तो हमारे अंदर करेज डेवलप होता है। आप जब सूर्य नमस्कार करते हैं आपके अंदर करेज, आपके अंदर एनर्जी डेवलप होती है। जब आप एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगी तो आप उन कार्यों को कर पाएंगे जिन कार्यों करने से आप डरते हो या आपके अंदर फियर रहता है, राइट? दूसरा क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन आपका क्लियर हो जाता है। आपने बचपन से, हमारे को भी हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, शांत रहा करो, शांत रहा करो। लेकिन शायद ही किसी ने बताया हुआ शांति से होगा क्या? यस, इस पीस से बहुत कुछ होगा। ये पीस ऑफ माइंड क्या है? ये हमारे अंदर क्लैरिटी को डेवलप करती है। क्लैरिटी को आप ऐसे मानिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने से पहले उसका जो विंड ग्लास है उसको साफ करते हैं, तभी आपको सामने का कुछ दिखता है। तो इसी प्रकार से जब तक आपका परसेप्शन क्लियर नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलने का आगे क्या हो रहा है या आगे जो मेरे जीवन में घट रहा है तो उसके क्या मायने हैं। तो यहाँ योग क्या है? योग हमको वो क्षमता विकसित करता है, हमारी थर्ड आई ओपन करता है। हमको पता चलता है कि हमारे जीवन में घटनाएं क्यों घट रही हैं और हर घटनाओं के पीछे क्या मकसद छिपे हो सकते हैं। अब अगला है जो दूसरा उन्होंने जो नियम बताया था, लिसन योर लकी हंसेस या लिसन योर इंस्टीट्यूशन। जो इंट्यूशन की बात करते हैं, जो हमारा उन्होंने योग करने से क्या है कि योग करने से वो इंट्यूशन डेवलप होती है। वो कैसे डेवलप होती है? जब आप ध्यान करेंगे तो अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे। आत्मा क्या है? आत्मा एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे आप अननोन ट्रेल पे निकलते हैं, किसी अनजाने रास्ते पर निकलते हैं, तो आप जीपीएस को ओपन करते हैं और आप डेस्टिनेशन उसके अंदर जैसे पुट करते हैं तो जीपीएस एक मैप क्रिएट कर देता है, एक रास्ता शो करता है। तो उसी प्रकार से आपको बस ये पता है कि आपको जाना कहाँ है। आप जब भी कोई परेशान होते हैं आप ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं तो आपका जीपीएस सिस्टम ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आपको दिखने लग जाता है कि आपका रास्ता इस प्रकार से बनेगा। तो इसीलिए जो योगी है वो हर स्थिति में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। किसी ने कहा योगा से ही होगा, इसीलिए योगा से ही होगा। अगला क्या है? तो यहां से जो इंट्यूशन है वो अंदर से हम अपने ध्यान के द्वारा हम डेवलप कर लेते हैं। एक्सपेक्ट गुड, मतलब फील योरसेल्फ गुड, फील योरसेल्फ लकी। ये जो इमेजिनेशन है, ये देखिए ये भी कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप ये ध्यान में जाते हैं तो आपका जो ब्रेन का पैटर्न है वो चेंज होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप खुद पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं या होते हैं तो आप उन्हीं जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वही एनवायरनमेंट आपका क्रिएट होता है और ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। ज्ञान यानी नॉलेज, या शिव खेड़ा जी ने एक बात की है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, अनएक्सपीरियंस, यानी कि तीन चीजें सक्सेस में बहुत बड़ा रोल हमें अदा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो एजुकेशन है, यानी स्वाध्याय की बात है, हमें अध्याय कर, हम स्वाध्याय करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम नई नई चीजें देखते हैं, हम उन रिव्यूज को खोजते हैं कि क्या वाकई में इन चीजों से बदलाव हो सकता है, या जिनके लाइफ में ट्रेजिडी आई है उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया, तो हमने उसको देखा। फिर हमने उन लोगों के संपर्क में आए जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, फिर साथ ही साथ हमने उसको लाइफ में प्रिंसिपल को जी के देखा। देखिए प्रिंसिपल आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप प्रिंसिपल के लिए काम करेंगे।
या जैक कैनफील्ड हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि प्रिंसिपल वर्क फॉर दोस्त वर्क फॉर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए काम करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही साथ क्या है कि टर्न योर बैड लक इनटू गुड लक, यहाँ पर एक बात आती है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। तो ध्यान हमारी मदद करता है उन कारणों को समझने के लिए कि उनके पीछे जो मेरे जीवन में घटनाएं घटी हैं उनके पीछे क्या कारण है। तो आप अपनी तक समझ गए होंगे योग का केवल इतना ही पर्पज नहीं है कि आपका शरीर को फ्लेक्सिबल कर देना है या आपकी बीमारियों को ठीक कर देना है। ये पूरा एक साइंस है, पूरा एक विज्ञान है, ये आपको बतलाता है, ये आपको समय समय पे आपकी मदद करता है, ये आपके ऊपर आपकी ही निगरानी बनाए रखने की एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप करता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको मैं लग रहा हूँ मैं सिंगल वन पर्सन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अंदर ट्रिलियंस कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उससे मिलके मैं बना हूं। ये भी ज्ञान है कि जिसे मैं एक मान रहा हूं वो एक नहीं है, वो असंख्यों से मिलके बना है। तो यहां पर हमें ये भी समझना है कि हमारा जो बिलीव सिस्टम है इस पे काम करना बहुत जरूरी है। बिलीव सिस्टम एकदम से ब्रेक नहीं होता, इसमें कहते हैं नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बिलीव सिस्टम। आपका ज्ञान क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, इसके हिसाब से आपका बिलीव सिस्टम तैयार होता है। अब वर्तमान में हो क्या रहा है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, नॉलेज तो हमारे पास बहुत है, कोई कमी नहीं है, गूगल बाबा हमारे हाथ में है, लेकिन हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बड़ा पुअर है। क्यों? क्योंकि नॉलेज बहुत है, हमने उसको जिया नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए हमारा बिलीफ सिस्टम ही डेवलप नहीं हो पाता। जैसे सपोज किसी ने कहा कि ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए कहां? किताबों में होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं, इसलिए हमारा बिलीफ सिस्टम पुअर है। किसी की मदद करनी चाहिए, मदद करने से क्या होता है कि जो मदद करने से ऊपर वाला आपकी मदद करता है, लेकिन ये हमने बस मान के छोड़ दिया, इसको जीने की कोशिश नहीं करी है। जबकि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी या न्यूरो साइंटिस्ट बात को क्लेम कर चुके हैं, न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर क्लेम हो चुका है कि जब आप सेल्फलेस गिविंग देते हैं तो आपके अंदर से बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं, आपके अंदर खुशी के हार्मोन निकलते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कुल मिला के कि ये जो है सब एक विज्ञान है, और विज्ञान को समझाया जा सकता है, समझ सकते हैं, और वही है कि कितना भी बुरा उसमें अच्छा सोच सकते हैं। अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इतना कहते हैं कि ये जो विज्ञान है ये स्कूलों के अंदर अगर पढ़ाया जाए तो शायद सब कुछ बदल सकता है। जैसे स्कूल में योग सिखाने की बात चल रही है, योग सिखाया जाता है या योग की क्लासेस चलने की बात हो रही है, हमको साथ साथ ये भी चीज़ें हमको वहाँ बतलानी होंगी। तो आज आपने जान लिया होगा कि हमारा जो लक है वो हम लक को भी क्रिएट कर सकते हैं, लक को हम बना सकते हैं। बैड लक की बात मैं एक बार जरूर कहूंगा, क्योंकि अक्सर जो है ये मन के अंदर बात आती है जब किसी के साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी ट्रेजेडी हो रखी है, इतनी ट्रेजेडी हो रही है कि अब उन ट्रेजेडी पे मास्टरी हो गई है, राइट। तो मैं यहाँ एक लाइन जरूर यूज करता हूँ कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं इम्तिहान उनके ही जबरदस्त होते हैं। तो एक अपना बिलीफ सिस्टम ने डेवलप कर लिया, अगर हमारे जीवन में इम्तिहान है तो इसका मतलब हमारे नसीब भी बहुत ऊंचे होंगे और मस्त होंगे। तो आप ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको धीरे धीरे हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहते हैं, ये कैसे होगा ये देखना होगा, एक्चुअली या एवरेस्ट योगा अकेडमी, एवरेस्ट स्पोर्ट्स अकेडमी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज आप मुझको अगर व्हाट्सएप पे अगर आप इसको एसएमएस कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा, मुझे यहाँ स्क्रीन पे शो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को मैं ले सकता हूँ। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन मैं पूछ लेते हैं व्हाट्सएप पे, अगर कोई क्वेश्चन है तो। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि लक वर्तमान से बनता है, और वर्तमान में जो है रहने की कला वो हमें योग देता है। तो जैसे हमने बताया है कि शरीर मेरा ट्रिलियंस कोशिकाओं से मिलकर बनाया, तो इनका मालिक या इनका जो गवर्नमेंट है वो केवल एक ही चीज है, वो है मेरा माइंड।
आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ही खराब होगी तो इनका क्या होगा, इस कम्युनिटी का क्या होगा जो सेल्स की कम्युनिटी है। तो उसी तरह से अगर मेरा मन अनहेल्दी होगा, मेरा मन अगर क्लटर्ड होगा, मेरा मन अगर जो है विचलित होगा, तो मेरे अंदर मैं सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मन का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है, और यहीं से आप सफलता प्राप्त करेंगे, यहीं से आप सक्सेस प्राप्त करेंगे, यहीं से आप धन प्राप्त करेंगे, यहीं से आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट विज्ञान है। इसीलिए ऐसे नहीं कहा गया है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। मन के बारे में अनेक अनेक शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है, तो आज मैं यही कहूंगा कि आप इस विज्ञान को थोड़ा सा और ब्रॉडली आप समझिए कि योग इज नॉट ओनली फॉर हेल्थ, इट्स ऑल्सो फॉर वेल्थ, इट्स ऑल्सो फॉर इट, इट्स ऑल्सो फॉर पीस, बहुत सब चीजों के लिए वो योग है। और योग को हम कभी किसी और दिन आपको बताएंगे, योग का उद्योग से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि योग उद्योग बहुत मिलते जुलते शब्द हैं। योग हमें अपने हायर स्टेज पे लेके जाता है, हायर स्टेट पे लेकर जाता है, जहां से हम उद्यमी बनते हैं, जो कर्मयोग का सिद्धांत आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेना चाहूंगा, और अंत में एवरेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी का धन्यवाद देना चाहूंगा, संजीव त्यागी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का मैं अपनी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए वो तुरंत तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ मैं उन सब व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी में डिप्लोमा जो 10+2 के बाद किया जाता है, से लेकर डिप्लोमा बीएससी योगा नेचुरोपैथी, आपका हमारे पास पीजी डिप्लोमा योगिक साइंस एंड थेरेपी, इसके बाद मास्टर डिग्री एमए योगा, एमएससी योगिक साइंस एंड थेरेपी, एमफिल और पीएचडी, हमारे यहाँ सभी तरह के कोर्स चलते हैं। आप कभी यहाँ आइएगा, आपका स्वागत है। और आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर नोट कर सकते हैं 8954401008। यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, मैं स्लाइड्स में एक्चुअली रह गया, कि सिंपल इसका फंडा आप ये समझ लीजिए कि ए इज इक्वल टू बी, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड से लक चेंज हो सकता है, और बी इज इक्वल टू सी, और योगा से जो है आपका पॉजिटिविटी जो है वो योगा से भी बन सकती है, तो इसका मतलब योगा से सीधा लक हमारा चेंज हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, और आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, इन्हीं विचारों के साथ में, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का धन्यवाद। हरिओम।